Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. ये जो इतना canals के through irrigation या tube wells बना दिए गए हैं, इनका जो इतना अच्छा development हुआ है, इसकी वजह से जो rice है उसकी possibility है कि अब आप उन areas में भी उसको उगा सकते हैं जहाँ पे कम rainfall होता है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, western उत्तर प्रदेश है या कुछ हिस्से हैं राजस्थान के. इसके बाद next crop आता है wheat. This is the second most important cereal crop. अब ये जो है सबसे important दूसरे number पे cereal crop है. It is the main food crop in north and the northwestern part of the country. सबसे important food crop है, यानी main मुख्य जो है वो wheat, यानी गेहूं ही होता है north और northwestern part में आपके country के अंदर. This rabi crop requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. जब ये फसल पक रही होती है तो उस समय जो है जो ये एक तो basically rabi crop है और इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम चाहिए जिसमें खूब अच्छी खिली हुई धूप निकली हो. जिस समय पे फसल पकती है उसके लिए इट रिक्वायर्स इवन 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. और जितने समय तक ये फसल पक रही है उतने समय तक इसको लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. देयर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. दो मेन इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं कंट्री के अंदर, एक है गंगा सतलज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन जो कि डेक्कन में है. द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. सबसे ज्यादा जहाँ वीट प्रोड्यूस करी जाती है वो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कुछ पार्ट्स जो हैं मध्य प्रदेश के. इसके बाद है मिलेट्स. ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. अब जो ज्वार, बाजरा, रागी हैं, ये इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में बोए जाते हैं. दो, दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. इस तरह के जो ग्रेन्स हैं, वो काफी रफ होते हैं पर इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, द अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द रफेज. जो रागी है ये बहुत ज्यादा रिच होती है आयरन और कैल्शियम में. इसके साथ इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं और थोड़ी सी ये कोर्स होती है. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन. इसके बाद ज्वार जो है वो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, चाहे एरिया वाइज देखो या प्रोडक्शन वाइज देखो. इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. ये ज्यादातर बरसात में ही इस फसल को पैदा किया जा सकता है या उन इलाकों में जहां पर नमी होती है, और अगर वहां पर नमी है तो इरिगेशन की भी कम जरूरत पड़ती है. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ज्वार पैदा करने वाला स्टेट है और उसके साथ साथ उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी एक तरह से ज्वार की खेती वहां पर भी होती है. बाजरा गोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. बाजरा जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें अच्छी तरह से उगता है और जो ब्लैक सॉइल होती है अगर वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है तो उसमें उगता है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है बाजरा को वो है राजस्थान. इसके साथ साथ उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी इसका प्रोडक्शन होता है. रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल्स. जो रागी है ये एक तरह से ड्राई रीजन का क्रॉप है और ज्यादातर ये जो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी या जो शेलो ब्लैक सॉइल्स होती है उस पर उगता है. कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय तमिलनाडु. तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रागी का. अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रागी. कुछ और स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल हो गया, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये भी जो है रागी की अच्छी पैदावार होती है यहाँ पर. फिर आता है मेज. इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर. मेज एक ऐसा क्रॉप है जिसका इस्तेमाल हम खाने के लिए भी करते हैं साथ ही साथ चारे के लिए भी करते हैं. इट इज अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degree to 27 degree centigrade and grows well on an old alluvial soil. इस
मेज की पैदावार के लिए, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, इसकी वजह से इसके लिए टेम्परेचर जो है वो लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, और ये जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है ये उस पर बहुत अच्छे से उगता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन ऑल्सो, पर कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कि बिहार है वहां पर मेज जो है वो रबी सीजन में भी उगता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज द HYU सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। अब मॉडर्न इनपुट्स का सहारा लिया जाए, जैसे HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन है, इनकी मदद से जो पैदावार है मेज की वो काफी बढ़ सकती है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पैदावार जो मेज की होती है वो स्टेट्स हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर आते हैं पल्सेस पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस यानी दाल, तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर भी है, साथ ही साथ यहाँ पे पैदावार जितनी तेज ज्यादा होती है खपत भी उतनी ही ज्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। इसको एक मुख्य सोर्स माना गया है प्रोटीन का, अगर कोई वेजिटेरियन डाइट कर रहे हो आप, उस शाकाहारी भोजन में इसको सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड राम। सबसे इम्पोर्टेंट पल्सेस या जो मेजर पल्सेस जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं वो यानी तुअर की यानी अरहर की दाल है, उड़द दाल है, मूंग दाल है, मसूर की दाल है, आपका मटर हो गई और चना हो गया। कैन यू डिस्टिंग्विश व्हिच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड व्हिच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। अब आप इन दोनों में से डिफरेंस करके ये बता सकते हो कि कौन सी ऐसी दालें हैं जो खरीफ सीजन में होती है या कौन सी ऐसी हैं जो रबी सीजन में होती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशंस। पल्सेस को जो है बहुत ज्यादा नमी की जरूरत नहीं होती और वो जो है ड्राई सीजन में भी आसानी से जो है सरवाइव कर जाती हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिजॉर्डिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द एयर। अब ये एक तरह से लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, मतलब ये जो क्रॉप्स हैं ये सारी की सारी फलीदार होती है, फली देती है इसमें। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। बाकी सबको छोड़ के सिर्फ एक अरहर जो है उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी सब क्रॉप्स जो है सॉइल फर्टिलिटी को मदद करते हैं रिस्टोर करने में, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म नहीं होने देते बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर से जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं और इसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म नहीं होती। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसलिए ज्यादातर इनको जो है और दूसरे क्रॉप्स के साथ जो है रेगुलरली उगाया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। सबसे ज्यादा जो पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।